हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। रोज सुबह 7 बजे हमारा सेशन होता है जिसमें हम लोग द हिंदू ट्यूटोरियल पढ़ रहे होते हैं और साथ ही डिस्कस कर रहे होते हैं उसकी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी। आज उसी आर्टिकल से आप लोगों के लिए कुछ 3 इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स मैं लेकर आई हूँ। पहला फ्रेजल वर्ब है बैकअप। बैकअप का मतलब होता है जब हम किसी की सपोर्ट कर रहे होते हैं, राइट? अगर आप लोगों को याद हो तो आज सुबह के सेशन में ही मैंने आप लोगों को सपोर्ट के लिए एक और खूबसूरत सा शब्द सिखाया था, एंड द वर्ड वॉज बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब भी क्या होता है बच्चे? बोल्स्टर का मतलब भी होता है किसी की सपोर्ट करना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि माय फैमिली इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी, मतलब मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ मेरी सपोर्ट में खड़ी है। दूसरा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है गो ऑन टू। गो ऑन टू का मतलब होता है प्रोसीड करना, मतलब किसी भी कार्य के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जो पहला जो इनिशिएशन होता है, जो पहला कदम होता है, उसी के लिए हम लोग क्या बोल रहे होते हैं बच्चे? उसी को हम लोग गो ऑन टू कह रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आई विल गो ऑन टू दिस प्रोजेक्ट एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दूंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, यानी कि बुझा देना। जैसे कहीं आग लगी हो उसको बुझाने के सेंस में हम लोग पुट आउट कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ही पुट आउट द कैंडल, मतलब उसने कैंडल को बुझा दिया। पुट आउट का एक और मतलब भी होता है, दैट इज इशू, या फिर पब्लिश कर देना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि न्यूज चैनल्स पुट आउट द प्रॉफिट अर्न्ड बाय इंडिया इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, मतलब कि भाई न्यूज चैनल्स ने ये पब्लिश किया है, फिर ये बताया, क्या बताया कि भाई इंडिया ने गुड्स एक्सपोर्ट करके, मर्चेंडाइज का मतलब होता है बेसिकली गुड्स, ठीक है, गुड्स को एक्सपोर्ट करके कितना प्रॉफिट कमाया है, राइट? तो हम लोगों ने यहां पर 3 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब सीखे। द फर्स्ट वन इज, पहला था हमारा बैकअप। बैकअप का मतलब होता है किसी की सपोर्ट करना। दूसरा गो ऑन टू। गो ऑन टू का मतलब क्या होता है? प्रोसीड करना। एंड द थर्ड वन इज पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है क्या बच्चे? एक्सटिंग्विश, यानी कि बुझा देना, आग बुझा देना बेसिकली, या फिर किसी भी चीज को क्या करना, सपोर्ट आई मीन इशू करना या फिर पब्लिश करना। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। बाकी फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। टेक केयर, स्टे हैप्पी।